यू गॉट अ चांस कि विराट की बीवी तो क्या ही बनोगी, नहीं छोड़ेगा अनुष्का को, बट अगर कुछ और बनने का मौका मिले अकाय की नैनी बना दो। मतलब मेरा ऐसा है, मतलब अश्विन की शादी हो रखी है, हाउसकीपिंग बन जाओगी, सेकंड बीवी। इमेजिन देवदत्त एंड शुभमन इज मैरिड। नो इमेजिन क्यों करें। अरे नो, ही सारा तेंदुलकर, मतलब तुम्हें लगता है वो सारा तेंदुलकर के ऊपर तुम्हें चूज करेगा? मुझे तो ये पसंद है, मुझे भी अपना वाला, सबका अपना ही होता है। दिखाई हो कौन सा कह रही है? शेखर रोल है क्या? Yes, it's rolling. Guys, serious. Okay. IPL फाइनली खत्म हो चुका है, लेकिन गाइस के मन में IPL का क्रेज और बेब्स के मन में IPL क्रशेस का स्पेस कभी नहीं भरता। तो आज इस स्पेस को डिस्क्लोज करने के लिए हमारे साथ है पैनल पर ये थ्री मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, मानसी, प्राची एंड रिदम। तो आज हम इस बात करेंगे कि इनका जो IPL का क्रश है वो कौन है, क्या है, कब से फॉलो कर रहे हैं। तो लेट जस्ट रोल। तो रिदम, स्टार्टिंग विद यू, तो आई कैन ऑब्जर्व कि आप तीनों IPL और क्रिकेट को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। Am I right? Yes, yes, absolutely. You do all of that, right? So, Ritam, कब से स्टार्ट करा और क्यों, मतलब? और क्रश कौन है वो एकदम सच सच आना चाहिए, ये नहीं कि ऑन कैमरा पलट जाओ, क्योंकि मुझे सच पता है, I'll disclose that, तीनों का। मैंने फर्स्टली सबसे पहले देखा था 2016 में विराट कोहली को, और उस वजह से मैंने IPL देखना स्टार्ट किया था। उसके बाद से आई हैव बीन फॉलोइंग क्रिकेट, हिज टेस्ट मैचेस, हिज ODIs, एवरी मैच ही प्लेज, एंड तब से लेके अब तक इट्स बीन 8 years, एंड विराट कोहली, ही इज द बेस्ट। मतलब रिदम का तो मैं समझ सकती हूँ कि विराट कोहली तो मुझे लगता है इंटरनेशनल क्रश है, मतलब मेसी के साथ या रोनाल्डो के साथ मुझे लगता है इंटरनेशनल क्रश है ही। बट प्राची, आर यू ऑल्सो द सेम, कैसे थोड़ा वेराइटी है इंडियन क्रिकेट में भी? वेराइटीज़ तो बहुत हैं। मैंने वैसे क्रिकेट MS धोनी की वजह से देखना शुरू करा था, लाइक फ्रॉम देम दैट टाइम आई एम वॉचिंग क्रिकेट। बट अगर हम रीसेंट की बात करें तो जो यंग जनरेशन आई है, उसमें तुम भी यंग हो इसलिए कह सकते हैं, तो RCB का एक प्लेयर है देवदत्त पाडिक्कल करके, उसका नाम है देवदत्त पाडिक्कल, ने 2020 में RCB के लिए डेब्यू करा था। तो मैं तब से उनके हर मैच को फॉलो करती आ रही हूँ, जब उन्होंने टेस्ट में डेब्यू, अभी रिसेंटली टेस्ट में भी डेब्यू करा जैन में, तो मैंने तब उनका वाला मैच भी देखा, और अभी आई थिंक हम कह सकते हैं वो LSG में हुए गए हैं, तो इतनी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही है, बट आई विल स्टिल सपोर्ट हिम। हाँ, मतलब स्मार्ट होना चाहिए लड़का, खेले कैसा भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो खेलते भी बहुत अच्छा है, उनके रिकॉर्ड्स दिखेंगे। मतलब 2020 में उन्होंने डेब्यू ही करा था, और उसी सीजन में उनको एमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड भी मिला था, ये कोई छोटी बात नहीं है। सेंचुरी आई थी प्राची 20 में आई थी, 21 में आई थी, 2021 में राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट। वाह वाह, नाइस, सब याद है इसे। थैंक यू। और आपका मानसी? मेरा तो शुभमन है। अरे, मेरा तो शुभमन है। अब तो सारा का सारा जो जहान है ना, वो शुभमन के पीछे चला गया। तो कैसे, मतलब सीधा शुभमन को देख के फ्लैट और तभी स्टार्ट करा क्रिकेट, या पहले भी, उनसे पहले भी कुछ देख लेती थी कि चलो मैच? पहले देखती थी, लेकिन उनको जब से देखा ना, तब से क्रिकेट में और इंटरेस्ट आ गया। राइट, तो मतलब ये तो समझ आ रहा है कि इस पर्टिकुलर फैन की, प्लेयर की वजह से सबने देखना शुरू किया, कि अब आप उन्हें देख चुकी हैं, यू गाइज मस्ट हैव ऑब्जर्व देम, 3 से 4 साल से आई गेस ज्यादा ही हो गए हैं। Six years, प्राची थोड़ी न्यू कमर है 2020 से, तो फेवरेट शॉट, आपके प्लेयर्स का फेवरेट शॉट, स्टार्टिंग विद मानसी। स्ट्रेट ड्राइव में जब खेलते हैं ना, तो कतई कमाल लगते हैं। मतलब स्ट्रेट ड्राइव के अलावा लगता है कि और किसी शॉट में एकदम पंच, मतलब मुझे लगता है उनका एक पुल शॉट आई गेस। हाँ, बट मुझे ज्यादा स्ट्रेट ड्राइव में पसंद आते हैं क्लियरली। हाँ, और किसी में नहीं अच्छा लग रहा है तुम्हें प्राची? वो सिंगल लेग पे लॉफ्टेड शॉट, लॉफ्टेड शॉट, हाँ, मतलब
राजस्थान के लिए भी तो खेलते थे, अभी इस साल एलएसजी में गए हैं, मुझे लगता है बढ़ास निकाल दिए कि आपने मुझे रिटेन नहीं किया तो आपके अगेंस्ट ही मैं सब कुछ करने वाला हूँ, राइट। और आपके चीकू भैया का, मेरे चीकू भैया हो गए, आपके तो क्रश है, सॉरी सॉरी, माय बैड। वैसे तो देखो उनकी कवर ड्राइव बेस्ट है, वी ऑल नो दैट, बट बेस्ट शॉट था जो हैरिस रॉफ को ओवर कवर, इंडिया पाकिस्तान बेस्ट। मतलब इंडिया पाकिस्तान की तो वाइब भी अलग होती है बाकी सारी कंट्रीज से। Coming soon. Hopefully in that way, 9 जून। मतलब सब पता चल रहा है, क्रिकेट क्यों देखा जा रहा है, सब पता है अब तो, कुछ आउट नहीं रह रहा है। सो रणजी टीम्स, मतलब इनिशियली जब स्टार्ट किया था दिल्ली वाला मुंडा, दिल्ली का मुंडा प्राची, कर्नाटका है, कर्नाटका यस, एंड शुभमन पंजाब, पंजाब सब, मतलब छठी तक का सब पता है पूरी हिस्ट्री पूछ लो, उत्तम नगर से पंजाबी बाग से गुड़गांव तक का पूरा, एड्रेस मुंबई बता दो, एड्रेस ही बता दो नहीं काश पता यार, मैं तो उनकी उतनी बड़ी फैन हूँ ना कि बस मुझे उनके फाजिलका वाले घर का एड्रेस पता लग जाए अभी पहुंच जाऊंगी, मतलब हिस्ट्री बायोग्राफी सब पता है, कहाँ हुए क्या कैसे एवरीथिंग। तो चलो आगे बढ़े थोड़ा, हम सबके राज जान लिए, अपना तो बताओ। अरे मतलब मेरे राज क्या है यार, मतलब क्रश बताओ, उनकी रणजी टीम बताओ, उनका सब बताओ। ओके ओके, मतलब ऐसा आ रहा है क्या? तो देखो मेरे क्रश है रविचंद्रन अश्विन, मतलब आई रियली अडोर, बड़े नहीं हो गए वो बहुत यार क्रश, मतलब मुझे पसंद है, खेलते हुए अच्छे लगते हैं, मतलब ही वॉज माई फर्स्ट क्रश जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था, और उनका डेब्यू इंडियन क्रिकेट और इन सब में तो 2009-2010 में हो गया था, लेकिन मैंने उन्हें CSK की जर्सी में पहली बार देखा था। बट आई सो फील उनकी जर्नी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी क्यों लगती है, या फिर मुझे एक चेंजिंग मोमेंट उनका पता चला था कि इनिशियली ही स्टार्टेड एज अ बॉलर, बट इंजरी, सॉरी ही स्टार्टेड एज अ बैट्समैन, इंजरी हुई एंड देन ही गॉट कन्वर्टेड टू अ बॉलर। तो मुझे स्टोरी बहुत मोटिवेटिंग लगी, क्योंकि बीइंग अ क्रिकेटर या फिर कोई भी आप अगर एथलीट हो और आप सीधा आपका करियर स्विच, मतलब काइंड ऑफ करियर स्विच, कहाँ बैट्समैन कहाँ बॉलर, इनिशियली रोहित शर्मा का भी यही था, बट स्टिल दे शिफ्टेड एंड वो सारे स्ट्रगल्स तो मतलब सबके ऑलमोस्ट होते हैं, बिना स्ट्रगल के कोई नहीं पहुंच पाता है। तो हाँ मतलब वो मुझे अभी तक बहुत पसंद है, सिर्फ ये नहीं कि दिखने में भी हैंडसम है यार, ऐसी बात नहीं है, मतलब ये नहीं है, हाँ मुझे बियर्डेड मैन पसंद है, लेकिन अगर स्टिल थोड़ी कम है तो मैं कम चला लेती हूँ उनसे, और परफॉर्मेंस बहुत स्पेक्टेकुलर लगती है, और मतलब कॉन्ट्रोवर्सी में भी रहती हैं, कभी मनकट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो वो हाइप रहती है। तो आई सो लव हिम फॉर ऑल दी थिंग्स, और सबसे यूनिक है भाई वो, यूट्यूब भी है उनका, मतलब कुट्टी स्टोरीज विद ऐश, स्टोरीज विद ऐश, मैं एक कुट्टी स्टोरी मिस नहीं करती हूँ, जस्ट टू सी ऐश, सामने वाला कौन है क्या बोल रहा है, आई डोंट केयर, आई सो विश वो कोहली को इनवाइट करें जल्दी फिर तुम और मैं ना साथ मिलके देखेंगे उनका, पक्का पक्का। बट आई सो वांट दी लेडीज की इतनी स्पाइस्ड अप लाइफ होती है क्रिकेटर्स की, इतनी लैविश लाइफ, घर गाड़ी बंगला पैसा, तो गर्लफ्रेंड्स की हाइप ना बड़ी कंसिस्टेंट रहती है, वो कंट्रोवर्सी, जैसे आजकल आई थिंक मोर देन एक्टर्स ये बात चल रही थी कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है हमारे वो इतने हैंडसम दिख रहे हैं कि उन्हें हम कास्ट कर सकते हैं, और जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, मतलब आई थिंक हर पॉडकास्ट में एक क्वेश्चन फेवरेट क्रिकेटर का पूछा ही जाता है, और उसकी वजह से फिर जो कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होती है, भैया ये इसको पसंद करता है, ये इसको डेट करता है, तो विराट भैया का एक ही जवाब है हर जगह कि भैया मेरी फेवरेट एक्ट्रेस तो मेरी वाइफ ही है, बट यू हैव बीन फॉलोइंग हिम बिफोर हिज मैरिज इवन, यू स्टार्टेड इन 2016, तो उनकी अनुष्का से पहले मतलब कौन सी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट है, ये थोड़ा खुलासा कर दो तुम आज, कर दूं खुलासा, बिल्कुल छह गर्लफ्रेंड्स रही हैं उसके अनुष्का से पहले, ओ मैन, और छह के बाद इतनी लॉयल्टी, आई थिंक बॉय शुड रियली टेक अ लेसन फ्रॉम विराट कोहली कि छह के बाद यू कैन बिकम लॉयल, बट हां क्या क्या नाम है रिदम छह में, एक तो रितिका है, यू ऑल नो, अब इज दैट ट्रू कि रितिका यू नो रोहित शर्मा की ट्यूमर्ड, और ट्रू आई डोंट नो, आई एवरी टाइम फील दैट वाज जस्ट अ कंट्रोवर्सी, कैसी हाइप, आई डोंट नो, एक फर्स्ट तो यही आती है हर लिस्ट में, कहीं भी सर्च कर लो, देन कम्स तमन्ना भाटिया, यस, एंड देन देयर वाज समवन कॉल्ड कृतिका, और आई डोंट नो
बाकी दो तीन तो वही स्कूल कॉलेज वाले हो, हवा हवा जो हवा थी हवा मतलब चीकू भैया डिसाइडेड कि मुझे नहीं समझता टाइम का भी, मुझे कोई इतना ग्रज नहीं लगता। अगर चीकू भैया के पास टाइम का ग्रज हो तो मैं समझूंगी, लेकिन देवदत्त सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, बाकी रणजी से मुश्ताक अली खेलते होंगे, बट तुम फॉलो कर रहे हो, यू मस्ट बी नोइंग किसको डेट कर रहे हैं, एंड आई रियली नीड एन आंसर प्राची। अभी तक तो हमने ऐसी कोई कंट्रोवर्सी कुछ सुना नहीं उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में कि कोई गर्लफ्रेंड है भी या नहीं है, बट जितना मुझे पता है उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बट मैं इतना कैसे खुश करने के लिए कह रही हूं। हां मुझे समझ में आ रहा है, और जितनी लड़कियां बाहर देख रही होंगी, चलो शुक्र है हमारा गरज तो सेम है, अभी तक कोई नहीं है। इंटरव्यू में भी बहुत बार बोला कि ही सिंगल, बोलने से क्या होता है, सो कि सिंगल ही है ना, 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 जो कि बहुत अच्छी बात है गर्ल्स फैन के लिए उनकी, इंक्लूडिंग मी। नहीं बट आई सो फील कि कर्नाटक के जो क्रिकेटर्स हैं वो बहुत ये चीज को ना बहुत एंड टाइम तक बड़ा एक्सक्लूसिव ही बना के रखते हैं। मतलब राहुल द्रविड़ थे, उनकी जब शादी होनी थी तो पहले कोई हाइट नहीं थी, सडनली पता चला इनसे शादी हो रही है, पहले से प्यार था, ये सब कुछ वो बाद में पूरी स्टोरी आई। प्रसिद्ध कृष्णा जो पेसर है टीम इंडिया के, बिल्कुल एंड में पता चला उनकी शादी थी, और मैंने देवदत्त भी शादी सीधा शादी करेंगे। मतलब अभी एज ही क्या उसकी शादी करने की, ही इज जस्ट 23, ही इज ऑन पेपर ही इज 23 है, वो 25 से भी कम है। तुम शुभमन को फॉलो कर रही हो यार, मैं मानती हूँ तुम्हें सब पता है उसका, उसके घर का एड्रेस भी पता है तुमको, तो जरा मुझे थोड़ी क्लैरिटी दो। आई थिंक ये दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि शुभमन कौन सा सारा का सारा, कौन सा खेल चल रहा है यार, थोड़ी थोड़ी मुझे ना क्लैरिटी चाहिए लाइफ में, बताओ यार। वैसे तो मैं पर्सनली चाहती हूँ कि रास्ता साफ रहे। यार एकदम यहाँ रास्ते साफ हो रहे, मतलब सोच रखा है इन्हीं से शादी करनी है यार। एक्टर्स भी बहुत हैंडसम होते हैं वैसे। ओके योर चॉइस एनीवेज, हाँ प्लीज, इट्स हर चॉइस, इट्स हर चॉइस, ओके। बट अगर रिपोर्ट्स की माने तो सारा तेंदुलकर ही है। चलिए ठीक है, तेंदुलकर होंगी, भगवान करे उनकी शादी हो या जो भी हो। नो 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 नो, नहीं तुमसे हो, चलो ठीक है भैया मानती से करा देंगे, बुला लियो। बट हाँ, बट गाइज ये तो थे योर क्रशेस बिकॉज ऑफ होम आपने देखना स्टार्ट किया, यू गॉट देयर होल हिस्ट्री ज्योग्राफी बायोलॉजी एफएलसी, इट गोट बी वेरी बैड, बट इट इज मोर लाइक कि अब जब आईपीएल आता है तो मतलब आई सो फील कि जितने नए लड़के आते हैं, मतलब इस आईपीएल में लगा कि यार कोई ये इतना सोना मुंडा कोई दिखा हो इस बार के आईपीएल में या किसी भी आईपीएल में। अगर हम इस आईपीएल की बात करें तो आई थिंक अभिषेक शर्मा बहुत हाइप है भाई लड़के की, है भी क्यूट यार, क्यूट हाँ, मतलब मुझे बट मेरे क्रश से ज्यादा क्यूट नहीं है भैया, इनका तो अलग ही चल रहा है सबका, बट टू बी ऑनेस्ट हाँ, मतलब अभिषेक के लुक्स, मतलब मुझे ऐसे नॉन बियर्डेड मैन नहीं पसंद थे, लेकिन जब आप देखा तो ही इज वेरी क्यूट, मतलब इंस्टाग्राम पे कितने सारे फैन पेजेस छोटी से छोटी डिटेल्स जो लोग कवर करते हैं, मतलब उसमें शॉर्ट्स मारते हुए एक बहुत अच्छी थी उसमें ना, ऐसे वो आई गेस शर्टलेस था और वो पूरा पसीना प्रैक्टिस के बाद ऐसे वो शर्ट निचोड़ रही थी, तो आई वाज लाइक हाँ यार, और मतलब कितने क्वालिटी प्रोडक्ट है हमारे पास, और हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट और है रियान पराग, थोड़ी सी हाइट कम रह गई, बट हाइट आई फील फाइन है कि जब पिछले साल नॉन बियर्डेड थे तो इतने स्मार्ट नहीं लग रहे थे, बट इस बार तो बहुत, बट इस बार पहले लगता था सिर्फ ब्यू डांस ही आता है इसको, बट नो बहुत स्मार्ट है, इट्स लॉट मोर देन दैट, ओके। बट बेस्ट फीचर विच यू लाइक अबाउट योर क्रशेस, इट्स द स्माइल, बियर्ड, हाइट, फिजिक, एनीथिंग यू फील लाइक, मैं बताऊं पहले, हाँ पहले प्राची से शुरू करते हैं, आई सो फील इसको, एक तो मुझे उसकी आवाज बहुत ज्यादा पसंद है, ओहो आई रियली लव हिज वॉइस, और तुम्हें मानसी, यार मुझे उसकी हाइट बहुत अच्छी लगती है,
और डिम्पल भी और मैं तो मतलब फील्ड पे तो खेलते हुए अच्छे लगते ही हैं, लेकिन जब उनकी रील्स वो बना देते हैं ना ट्रांजिशन रील्स जो इंस्टाग्राम पे नहीं आती और गाने भी लगा देते हैं ट्रेंडिंग वाले, मैं फ्लैट हो जाती हूँ। समझ पा रही हूँ मैं, सारे एक से एक हॉट मुंडे ले लिए और अब उनको वो कर रहे हैं हम, ठीक बॉडी शेमर्स। ओके मैं बताऊँ, मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद है, हिज आईज। आईज, आई रियली फाउंड कि विराट की कोई आईज की तारीफ करता है, क्योंकि विराट का वही रहता है बियर्ड अग्रेशन और वो सब तो है ही, बट आईज सो प्रीटी, वेरी कूडोस गाइस। अब दिस पार्ट इज लिटिल लाइक कि अगर शादी, मुझे उनका तो सॉर्टेड लगता है, देख रिदम उनका सॉर्टेड है, उनका सॉर्टेड है, यहाँ पे तो वो भैया हर वीडियो में हर माय वाइफ माय वाइफ। तो अगर ऐसे गलती से यू गॉट अ चांस कि विराट की बीवी तो क्या ही बनोगी, नहीं छोड़ेगा अनुष्का को, बट अगर कुछ और बनने का मौका मिले अकाय की नैनी बना दो। तेरा यही प्लान है ना कि तू वीडियो कॉल करेगी और फिर अकाय ने फोन किया, दिस इज यू, अकाय का नाम लगा के मैं कॉल करती रहूंगी उसको, इनने किया है, मैंने थोड़ी किया है। सॉर्टेड रिदम नैनी तक बनने को तैयार है गर्ल्स, तुम किस लेवल तक जा सकती हो तुम ये बताओ। मेरा वाला तो भी सिंगल है यार, मैं कह मेरा वाला उसने मान रखा है, उसने इमेजिन देवदत्त एंड शुभमन इज मैरिड, नो इमेजिन यू करे, अरे नो ही सारा तेंदुलकर, मतलब तुम्हें लगता है वो सारा तेंदुलकर के ऊपर तुम्हें चूज करेगा? नहीं मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ, लेकिन मुझे अपने उसमें रहने दो ना, पैरेलल यूनिवर्स में मैं पैरेलल यूनिवर्स में गाइस अनुष्का शर्मा इज रियल, अकाय की नैनी शी कैन बी अकाय की नैनी दैट इज आल्सो रियल, बट शुभमन सपोज शुभमन इज मैरिड, शी इज मैरिड टू सारा तेंदुलकर, तो क्या मतलब नहीं मैं तो नहीं बनूंगी, आते जाते देखेगा तुम्हें, हमने कमरे से निकलता हुआ खाता पीता कुछ भी, मतलब मेरा ऐसा है मतलब अश्विन की शादी हो रखे आए हाउसकीपिंग बन जाओगी सेकंड बीवी, बहुत सफाई से प्यार कर रहा है वो, तुझे पता नहीं चल रहा है, प्रसिद्ध कृष्णा की तरह सीधा फोटोज आने वाली है उसकी, सीधा इंस्टाग्राम पे दिखेगा, अरे चलो चलो मेरा ऑर्डर आ गया खाना खाने चलते, अरे खत्म तो करने दो, वेट गाइस, सो दैट वाज अमेजिंग डिस्कशन विद यू ऑल, थैंक यू सो मच, खाने मुझे भी जाने, तो फटाफट रैप करते हैं, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज एपिसोड, जहां पर हमने बात करी लड़कियों के क्रशेस के बारे में, क्या वो विराट कोहली है, देवदत्त पड़िक्कल है, शुभमन गिल है, एंड द लिस्ट इज स्टिल ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड आप सब क्या चाहते हैं कि ये जो गर्ल्स टॉक है वो अगले एपिसोड में कौन से टॉपिक पे हो, तो वो भी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस वॉज ऑल फ्रॉम टुडेज एपिसोड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।